हर हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ पितृदोष के बारे में। पितृदोष का कारण क्या है, पितृदोष क्यों होते हैं, और उनके मैं कुछ अचूक उपाय आपको बताऊंगा, जिससे करने से आपको पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। जीवन में कई बार हमारा दोष ना होते हुए भी हमें कष्टों को झेलना पड़ता है, इसीलिए आपको मैं आज बता रहा हूँ पितृदोष के कारण क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा पितृदोष होता क्या है। जब भी हम अज्ञानतावश अपने जीवन में अपने पूर्वजों का या अपने माता पिता का को कष्ट पहुँचाते हैं, उनका अपमान करते हैं, उन्हें तकलीफें देते हैं, इन्हीं कारणों के कारण पितृदोष बनता है। पितृदोष के कारण आपको मानसिक कष्ट होना, शारीरिक कष्ट होना, संतान कष्ट होना, धन का अधिक खर्च होना और पूजा पाठ में ध्यान ना लगना, समस्याओं आदि से गुजरना, यही पितृदोष के कारण और कष्ट होते हैं। मैं आपको पितृदोष को दूर करने के सरल उपाय बताता हूँ, जिससे आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त करके धन समृद्धि पा सकते हैं। ध्यान दें, पहला उपाय, जब भी आप घर में भोजन बनाएं या रोटी पकाएं, तो पहली रोटी आप भगवान को अर्पित कीजिए, दूसरी रोटी आप पितरों को अर्पित कीजिए और उन्हें किसी गाय को खिलाएं, जिससे भगवान और पितरों की आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दूसरा उपाय, आप किसी भी अमावस तिथि को भोजन बनाएं और बबूल पेड़ की जड़ के नीचे रखें, जिससे पितर प्रसन्न होंगे। अब मैं आपको एक तीसरा उपाय बताता हूँ, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसको समझने के लिए आप अच्छी तरह से देखें वो किस क्रिया के हिसाब से उसको किया जा रहा है। ऐसे आपने करना है कि तीन बरगद के पेड़ के पत्ते लेने हैं और थोड़ा सा हलवा बनाना है। हलवा बनाने के लिए आपने चाहे सूजी का भी बना सकते हैं, आटे का भी बना सकते हैं। उस हलवे के तीन लड्डू बना लेने हैं और पूरियां बनानी हैं छः। जो पूरियां ये बनानी हैं वो इस तरह रखनी है, पहले ऐसे बरगद का पत्ता जिसे गोड़ भी कहते हैं ऐसे रखना है, उसके ऊपर आपने दो पूरियां रख देनी है। दो पूरियां रखने के बाद जो आपने हलवे का लड्डू बनाया हुआ है उसे भी आपने इसके ऊपर रख देना है। ऊपर रखने के बाद इसे तर्पण करना है। तर्पण ऐसे करना है, ये अपने पितरों को तर्पण करना है। पितरों को तर्पण ऐसे अंगूठे की तरफ से किया जाता है, जैसे पितर तर्पयामि कहते हुए यहाँ पे छोड़ देना है। फिर आपने दूसरा पत्ता लेना है। दूसरा पत्ता लेके आपने ऐसे ही पत्ता रख के उसके ऊपर दो पूरियां रखनी है। दो पूरियां रखने के बाद जो आपने लड्डू बना रखा है वो रखना है, जो हलवे का लड्डू बना हुआ है वो रखना है। फिर आपने इस पत्ते को इसके ऊपर उठा के इसके ऊपर रख देना है और फिर आपने यम को तर्पण करना है। ऐसे तर्पण करके यम को तर्पण करना है और यम तर्पयामि बोल देना है। बाद में आपने एक और तीसरा पत्ता लेना है, उसे ऐसे ही रखकर उसके ऊपर दो पूरियां रखनी है। पूरियां रखने के बाद फिर ऐसे ही एक लड्डू उसके ऊपर रखें। लड्डू रखने के बाद ऐसे
ये दोनों पत्ते जो पहले हमने तर्पण किया है उसको उसके ऊपर उठा के रख देना है और भगवान विष्णु को तर्पण कर देना है। ऐसे करते हुए विष्णवे तर्पयामी, और इसे उठा के आपने किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर इसे रख देना है और जिससे आपके पितर खुश हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया मेरे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर